डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है स्टॉक्स थ्योरम। बेसिकली तीन टाइप की थ्योरम जो इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें पहली आती है गॉस डाइवर्जेंस, दूसरी होती है स्टॉक्स और तीसरी होती है ग्रीन थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस और ग्रीन थ्योरम पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है जो इस चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है स्टॉक्स थ्योरम। अब स्टॉक्स थ्योरम बेसिकली क्या करती है, हमारे पास तीन टाइप के इंटीग्रल होते हैं। एक तो लाइन इंटीग्रल होता है, एक हमारे पास होता है सरफेस इंटीग्रेशन और एक हमारे पास होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लाइन और सरफेस के अंदर जो रिलेशन देती है वो थ्योरम होती है अपनी स्टॉक्स थ्योरम, और जो सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन देती है वो होती है अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये दो थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड होती है हमारी ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ पर जो थ्योरम जो है जिसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, तो उसको अगर हम स्टेटमेंट वाइज कन्वर्ट करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ डी एल लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर डी आर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो सेम चीज होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आर जो होता है उसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन सदिश। तो दोनों ही चीजें जो है वो एक जैसी होती है। अब आर का जो वैल्यू होता है यानी मान होता है वो होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो इस तरीके से यहां पर डी एल लिखो या डी आर लिखो, दोनों एक ही चीज है। दोनों ही लाइन इंटीग्रेशन यानी एक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस होता है दो और वॉल्यूम होता है तीन इंटीग्रल। दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान देने की, वो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको अपन कहते हैं कर्ल। ठीक है, तो कर्ल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, वो हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि किस तरह से बनाना है। तो स्टॉक्स थ्योरम जो है वो लाइन और सरफेस का जो रिलेशन है कन्वर्जन का, यानी सरफेस को आप लाइन और लाइन को आप सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो लिखा हुआ जैसे क्या है, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन, यानी हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और वो जो वेक्टर है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है वो किस ऑब्जेक्ट के अराउंड है, एक स्क्वायर के जहां जेड इक्वल टू जीरो प्लेन है और साइड्स की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स और वाई की दे रखी है। तो ऑब्वियस है कि जैसे हम स्टॉक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन अगर बात आती है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमारे वेक्टर यहाँ एफ दिया हुआ तो हम लिख देंगे एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। तो दोनों ही चीजें जो हमें लेके आनी है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का जब हमने वीडियो बनाया था और जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंस थ्योरम किसमें रिलेशन देती है, सरफेस और वॉल्यूम में। तो सरफेस और वॉल्यूम में बड़ा इंटीग्रल कौन सा है यानी जिसमें ज्यादा इंटीग्रेशन होते हैं, वो है वॉल्यूम। तो पहले हमें वॉल्यूम वाला पार्ट सॉल्व करना चाहिए जिससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि आंसर क्या लेके आना है। सिमिलरली यहां पर लाइन और सरफेस में बड़ा इंटीग्रेशन कौन सा है, सरफेस वाला। तो पहले हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो RHS क्या है हमारी इक्वेशन का, डेल क्रॉस F। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो डेल क्रॉस F अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिसमें फर्स्ट लाइन जो होती है हमेशा यूनिट वेक्टर्स के लिए होती है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। दूसरी जो लाइन होती है वो पहला वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है उसके लिए होती है, तो दूसरी जो लाइन है वो डेल ऑपरेटर है। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये वाली होती है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। तो आई के नीचे हम क्या लिख देंगे, डेल बाय डेल एक्स, जे के नीचे डेल बाय डेल वाई और के नीचे डेल अपॉन डेल जेड। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, वेक्टर एफ की वैल्यू लिखनी है। तो वेक्टर एफ में ये दे रखा है, तो आई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, एक्स स्क्वायर और जे डायरेक्शन में क्या है, एक्स वाई और के डायरेक्शन में यानी जेड डायरेक्शन में क्या है, जीरो। तो हमने जीरो मेंशन कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे हम, डेल अपॉन डेल वाई किसके लिए डिफरेंशिएट करना है, जीरो के लिए। फिर लिखेंगे माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स वाई। फिर अपनी तरफ से हम माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि ऑड पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे हम, के कैप डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ये जो जीरो हो गया यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई के अंदर अगर हम जेड के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा।
एक्स के लिए जीरो आएगा, जेड के लिए एक्स स्क्वायर जीरो होगा, एक्स का एक्स के लिए वन होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर वाई बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वाई लिखा है एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जीरो, तो आंसर क्या आ गया हमारा वाई के कैप। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, डेल क्रॉस एफ का। अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, डीएस के लिए। तो डीएस जैसे यहां पर आर की बात होती है तो तीनों डायरेक्शन में होता है, उसी तरह डीएस भी कितने डायरेक्शन में होगा, तीनों डायरेक्शन के लिए होगा। तो डीएस की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो तीनों कंपोनेंट आएंगे, आई कैप आएगा, जे कैप आएगा और के कैप आएगा, ठीक है। अब आई कैप अगर डायरेक्शन हो जाती है तो बाकी दो वैल्यू कौन सी बची, आई हम किसके लिए यूज करते हैं एक्स के लिए, जे किसके लिए यूज करते हैं वाई के लिए, और के किसके लिए यूज करते हैं जेड के लिए। तो आई के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी वाई डी जेड। सिमिलरली जे के लिए लिखेंगे तो जे होता है वाई के लिए, तो बचे दो कौन, एक्स और जेड, तो डी एक्स डी जेड। और के कैप किसके लिए होता है, जेड डायरेक्शन के लिए, तो बचे दो कौन, एक्स और वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी एक्स डी वाई। अब हमारे पास डेल क्रॉस एफ भी आ गया है और हमारे पास डी एस भी आ गया है, दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें सेम डायरेक्शन जो होती है, यानी आई आई जे जे और के, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होने से आंसर वन हो जाता है, और आई जे और आई के बीच में 90 डिग्री होने से आंसर जीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास डेल क्रॉस एफ है और ये हमारे पास डी एस है। तो के कैप यहां पर अगर लिखा हुआ है तो के कैप डॉट आई जीरो हो जाएगा, के कैप डॉट जे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा हमारे पास, के कैप डॉट के कैप यानी वन, तो यहां बच जाएगा वाई डी एक्स और डी वाई। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस की। अब डॉट प्रोडक्ट में देखो, यहां पर अगर जे बचता तो जे वाला कंपोनेंट बच जाता, आई बचता तो आई वाला, के वाला है तो के वाला बच गया। तो ये हमने क्या करा है, ये जो अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, उसकी वैल्यू पहले डिटरमाइन कर ली है। अब हमें क्या करना है, बाहर वाला जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इंटीग्रेशन। अब सरफेस इंटीग्रेशन, एस का मतलब सरफेस होता है और एल का मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन मतलब रेखा, सरफेस मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन अगर करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन होते हैं और वैल्यू हम लिख देंगे वाई डी एक्स और डी वाई। अब हमें जेड बराबर जीरो प्लेन दे रखा, तो जेड बराबर जीरो प्लेन का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, यानी जो जो भी पैटर्न बनेगा वो कौन से प्लेन में बनेगा, यानी कौन सी रेखाओं से या लाइन से बनेगा, एक्स और वाई से। तो हमारे को देखो लिमिट दे रखी है, एक्स जीरो एक्स है, वाई जीरो वाई है, क्योंकि ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक्स बराबर जीरो से ए, वाई बराबर जीरो से ए। अब दोनों लिमिट है कॉन्स्टेंट, तो हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर जीरो से ए लिखा और डी एक्स लिख दिया, वाई बराबर जीरो से ए लिखा और वाई डी वाई लिख दिया। अब यहां पर क्या इंटीग्रेशन आएगा, एक्स लिमिट जीरो से ए, वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो से ए, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये भी हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाई टू, तो हमारे राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या आ गया, ए क्यूब अपॉन टू आ गया। तो ये हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया अभी के लिए, डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। उसमें सबसे पहले क्या निकाला, डेल क्रॉस एफ जिसको हम कहते हैं कर्ण, उसके लिए बनानी पड़ती है मैट्रिक्स। फर्स्ट लाइन में हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स, सेकंड लाइन में पहला वेक्टर जो भी लिखा हुआ है उसके कंपोनेंट एक्स वाई और जेड में, और थर्ड लाइन में होता है दूसरा वेक्टर जिसके कंपोनेंट एक्स वाई और जेड में। उसके बाद जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे सॉल्व करना है। डेल क्रॉस एफ आने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा डीएस, डीएस की ये वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन जो होती है यानी समान दिशाएं जो होती है वो बच जाती है और बाकी सब जीरो हो जाती है। तो पहले हमने ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है तो कितने इंटीग्रेशन होंगे, दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है डी एक्स और डी वाई, तो मुझे किसकी लिमिट चाहिए, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन थी और क्योंकि स्क्वायर था तो ऑब्वियस साइड्स की होंगी सेम होंगी, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को निकालना है जो कि आना चाहिए ए क्यूब बाई टू। तो हम स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। अब एफ हमें पता है क्या होता है, एफ हमें दिया हुआ है, जो वेक्टर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप,
और डी आर जो होता है वो भी हमें पता है क्या है डी आर, कि डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो पहले डॉट निकाल लो इन दोनों का, तो एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई डी वाई, तो आई डॉट आई क्या हो गया वन, जे डॉट जे क्या हो गया वन, और के का यहाँ कोई कंपोनेंट था क्या, नहीं था, तो के वाला जीरो हो गया, तो आई आई वन होने से क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा डी एक्स, यहाँ बचा एक्स वाई, यहाँ बचा डी वाई, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको एफ डॉट डी आर को फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर जो बनता है वो चार भुजाओं से बनता है, ठीक है, और यहां पर कौन सा इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, यानी एक टाइम में हम एक पॉइंट से कहां जाएंगे दूसरे पॉइंट तक, तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर को बनाते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, जैसे स्क्वायर बन गया, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है जैसे एक्स बराबर ए लाइन जो होगी वो ये पॉइंट हो जाएगा ए कोमा जीरो, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कोमा ए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए कोमा ए, और ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी, तो हम जाएंगे ओ से ए, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ओ, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो कितने इंटीग्रेशन करना है टोटल, हमें जाना है पहले ए से बी, सॉरी ओ से ए जाना है पहले, ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से वापस ओ, और चारों के लिए हमें एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करना है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं ओ टू ए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ओ टू ए, अब ओ टू ए जब जाते हैं तो ओरिजन है ये, तो कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो जीरो है, तो ओ टू ए जाने पर देखो एक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो ओ पे जीरो है और ए पे ए है, तो इसका मतलब एक्स की जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो टू ए, y की जो वैल्यू है यहाँ पे भी जीरो है यहाँ पे भी जीरो है, तो दूसरी वैल्यू हमें किसकी मिल गई y की, तो y अगर जीरो होगा तो डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो ये दोनों वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है इस इक्वेशन में, तो लिमिट पहले लगा देंगे हम x बराबर जीरो टू ए, एफ डॉट डी आर ये वाला था हमारे पास, इसमें अगर हम y जीरो और डी वाई जीरो करते हैं तो देखो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा केवल ये वाला पार्ट, तो एक्स स्क्वायर dx, ऑब्वियस है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाई थ्री जीरो टू a, तो क्या आ जाएगा पहला आंसर a क्यूब बाई थ्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर a, अब हम जाएंगे कहां से कहां तक a टू b, तो a टू b अगर हम जाते हैं तो a से b जाने पर देखो x का कोऑर्डिनेट फिक्स है, यहां पर भी स्मॉल a है यहां पर भी स्मॉल a है, तो इस x की वैल्यू तो क्या हो गई स्मॉल a, तो dx क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि a क्या होता है कांस्टेंट होता है, y की लिमिट देखो क्या है 0 टू a है, तो y बराबर क्या लिख देंगे 0 टू a लिख दिया, अब x बराबर a और dx 0, तो dx 0 होने से ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, x यहां लिखा हुआ देखो ये तो 0 हो गया लेकिन ये बच गया ना, तो x की जगह ये रखेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी y बराबर 0 टू a, ठीक है, a y dy, x की जगह ये लिख दिया हमने, अब a जो है वो तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, y बराबर 0 टू a, अंदर क्या बच जाएगा y dy, तो a y स्क्वायर अपॉन 2, तो a यहां पर रखा हमने a और 0, तो a स्क्वायर बाई 2, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया a क्यूब बाई 2, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर b, तो इस तरह से हमारे पास आगे ओ टू a हम आ गए और a टू b हम आ गए, अब हमें कहां जाना है a टू b आ गए हम, तो अब हम कहां जाना है b से c में, तो देखो ये जो रिजल्ट आया था ए क्यूब बाई टू, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे हमारा रिजल्ट क्या आया था फाइनल, नेक्स्ट पार्ट हमें जाना है अब बी टू सी, तो बी टू सी अगर हम जाते हैं बी से सी, तो बी से सी में देखो एक्स की वैल्यू ए है यहां पर और यहां जीरो है, तो एक्स की लिमिट हो जाएगी ए टू जीरो, वाई की वैल्यू दोनों में ए है, तो वाई बराबर ए होगा तो डी वाई क्या हो जाएगा जीरो, तो डी वाई अगर जीरो होगा तो ये पार्ट जीरो हो गया पूरा, क्या बचा फिर से x बराबर a टू जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई थ्री ए टू जीरो, अब पहली लिमिट जीरो है तो पहली लिमिट लिख दी जीरो, दूसरी लिमिट लिख दी a अपॉन थ्री, तो ये हो गया माइनस ए क्यूब बाई थ्री, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर c, अब फाइनली हमें कहा जाना है c से o, तो c टू हम जाएंगे अब o में, तो c से o जब जा रहे हैं तो x की वैल्यू तो फिक्स है दोनों में, तो x बराबर जीरो है तो dx भी क्या हो जाएगा जीरो,
और y की लिमिट में वो क्या लिख देगी, y की लिमिट y बराबर a टू 0। तो ये वैल्यू सबसे पहले रिप्लेस करते हैं अपन, x की जगह जैसे 0 रखोगे देखो दोनों में x है तो 0 रखते ही दोनों पार्ट क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब इस पहले पार्ट का रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर d। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या आती है देखो, a क्यूब बाई 3 प्लस a क्यूब बाई 2 माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस 0। तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसल, क्या आ गया रिजल्ट, a क्यूब बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए सेम। तो इसका मतलब ये हमारी थ्योरम क्या हो गई यहाँ पर, वेरीफाई। तो वेरीफाई जो करते हैं हम, तो इनिशियली हमें जो वैल्यू ध्यान रखनी है कि पहले हमें बड़ा वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ताकि हमें जो बड़ा वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो जल्दी आंसर आएगा और हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ पहुंचना है। और छोटा वाला इंटीग्रल यानी जैसे सरफेस के कंपैरिजन में लाइन छोटा है, और डाइवर्जेंस थ्योरम अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस छोटा है, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और एक एक वैल्यू को क्या करते जाएंगे एग्जामिन, और फिर उसको क्या करना है f.dr में पुट करना है, और फिर लास्ट में जितने भी लाइन से वो ऑब्जेक्ट बना उनको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाइंग स्टॉक्स थ्योरम, और हमें फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एफ इक्वल टू जेड आई कैप वाई जे कैप एक्स जे कैप एंड वाई के कैप एक्स जे कैप एंड वाई के कैप, ठीक है। और हमें जो वैल्यू दे रखी है वो एक यूनिट सर्कल दे रखा है, यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, क्लियर है, बाउंडिंग द हेमिस्फेयर विच इज बाउंडिंग द हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर की जो वैल्यू दे रही है जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वेरीफाई करना है इसमें भी एक वेक्टर दे रखा है हमारा, तो एक ऑब्जेक्ट दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड क्या हो जाता है 0 हो जाता है ये सबको पता है, और हेमिस्फेयर यानी अर्ध गोला आधा गोला जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है हेमिस्फेयर यानी आधा गोला जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसमें से अगर हम कट करते हैं जैसे इस तरह से तो ये हमारे क्या बनते हैं सर्कल्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई डायग्राम की, अब मेन चीज जो हमें करनी है सबसे पहले तो क्या लिखना है हमें अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स थ्योरम क्या होगा, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड के लिए डेल क्रॉस एफ को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आई जे के, यहाँ लिख देंगे डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, वेक्टर एफ की वैल्यू लिख दी जेड एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू जब निकालेंगे हम तो आई के लिखा वाई का वाई के लिए डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, जेड का एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जब जे के लिए लिखेंगे तो एक्स का वाई के लिए क्या हो जाएगा 0, जेड के लिए क्या हो जाएगा 1, और के कैप के लिए लिखेंगे तो एक्स का एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 0। तो हमारे पास क्या आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये तो आ गई डेल क्रॉस एफ की वैल्यू। अब हमें किसके लिए निकालेंगे डी एस की, तो डी एस जब हम लिखते हैं तो आई कैप लिखते हैं जे कैप लिखते हैं और के कैप, तो आई अगर आएगा तो डी वाई डी जेड प्लस जे अगर आएगा तो डी एक्स डी जेड प्लस डी एक्स डी वाई। अब क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों डायरेक्शन अवेलेबल है तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कि भाई ये डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा कि यूनिट सर्कल जो है वो हमारा कौन से प्लेन में बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, जहाँ इनडायरेक्टली मतलब होता है कि जेड की वैल्यू क्या है 0 है। तो जेड की वैल्यू अगर 0 है तो डी जेड भी क्या होगा 0 होगा, तो सिंस यानी क्योंकि जेड बराबर 0 होगा तो डी जेड भी 0 होगा, तो डी जेड 0 होने से देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो डी एस हमारा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा डी एक्स डी वाई के कैप यानी केवल ए की डायरेक्शन में रहेगा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई डी एस की। अब हमें क्या करना है डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस निकालना है, तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या थी
आई जे और के तीनों थे, डॉट डी एक्स डी वाई के कैप, तो ऑब्वियस है आई और के और जे और के तो जीरो हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। तो अब हमें लिखना है इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। अब इंटीग्रेशन पे आने के बाद हमें क्या चाहिए होती है लिमिट, अब लिमिट तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है सर्कल है, तो इस जो रिजल्ट हम निकालेंगे उससे क्या निकालेगा निकलेगा एरिया, और सर्कल का अगर एरिया पूछता है कोई सर्कल एरिया तो हम सब जानते हैं वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है यूनिट, तो यूनिट मतलब क्या होता है वन, तो इसका मतलब सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है वन, तो हमारा रिजल्ट ये जो वैल्यू है पूरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक तरह से पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह वन रखोगे कितना आ जाएगा पाई, तो ये हमारा क्या हो गया राइट साइड का आंसर। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है और हमें उसका एरिया या वॉल्यूम पता है तो हम डायरेक्टली आंसर भी कोट कर सकते हैं बिना लिमिट को यूज किए। अब हम आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या देखा है लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब डी आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ऑब्वियस है देखो एफ की वैल्यू जब जाएंगे अपन, तो एफ की वैल्यू सबसे पहले मैंने लिखी क्या लिखी हुई है जेड आई कैप एक्स जे कैप और वाई के कैप, इसको हमें डॉट किसके साथ करना है डी आर के साथ जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं, तो अब इन दोनों को डॉट जब करेंगे तो क्या बचेगा जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड, ठीक है। अब क्योंकि फिर से अप्लाई करेंगे जेड अगर जीरो है तो डी जेड भी क्या होगा जीरो होगा, तो देखो जेड जीरो डी जेड जीरो, तो क्या बचा हमारे पास केवल एक्स डी वाई, यानी हमें इंटीग्रेशन केवल किसका करना है एक्स और डी वाई का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर जैसे हमने लिखा लाइन इंटीग्रल हमें करना है एक्स डी वाई का। अब जब भी सर्कल की बात आती है जैसे हमने यहाँ सर्कल बनाया है तो सर्कल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है रेडियस और ये जो चीज होती है क्या होते हैं एंगल्स थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो सबको पता है कि यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू जीरो और पूरा रोटेशन अगर करके आएगा तो थीटा इक्वल टू क्या लगेगा टू पाई। तो अगर हम इस कार्टेशियन क्योंकि एक्स और वाई जो होता है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उसको अगर हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा काम हो सकता है, तो सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और y बराबर हम क्या लिख सकते हैं r sin थीटा। अब r या 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा और y बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा, तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो x की जगह हमने लिख दिया cos थीटा और dy है तो dy ऑब्वियस है क्या हो जाएगा cos थीटा * d थीटा, तो cos थीटा * d थीटा। अब थीटा की लिमिट लगानी है तो थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई, तो थीटा बराबर लिख दिया 0 से 2 पाई cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 * d थीटा, तो 1 / 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन अब किसके लिए बचेगा देखो 0 से 2 पाई d थीटा और 0 से 2 पाई cos 2 थीटा d थीटा के लिए। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो d थीटा के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचेगा 1 / 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 पाई माइनस 0 और cos 2 थीटा के लिए करोगे तो क्या आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट थीटा बराबर 0 से 2 पाई, तो 1 / 2 यहां आएगा 2 पाई 1 / 2। अब 2 पाई जब रखा तो यहां होगा sin 4 पाई और यहां होगा sin 0, अब sin n पाई क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो 1 / 2 * 2 पाई, तो क्या आ गया आंसर पाई क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे राइट साइड का आंसर भी पाई आया था और लेफ्ट साइड का आंसर भी पाई आ गया, इसका मतलब वेरीफाई कर लिया हमने स्टॉक्स थ्योरम। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर एवोल्यूशन वाला पार्ट आता है तो केवल आपको एक ही साइड कैलकुलेट करनी है यानी सरफेस वाली अगर स्टॉक्स थ्योरम की है, और डाइवर्जेंस में पूछा जाता है तो केवल वॉल्यूम की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थैंक यू वेरी मच।